पौधारोपण कार्य को कैसे करें? गड्ढों की खुदाई। सामान्यतः सागौन एवं अन्य मिश्रित प्रजातियों के लिए गड्ढों का आकार 30x30x30 सेंटीमीटर तथा बांस तथा फलदार वृक्षों के लिए 45x45x45 सेंटीमीटर का आकार अच्छा माना जाता है, परंतु अधिक ऊंचाई के पौधे या बड़े आकार के पॉलीबैग होने पर गड्ढे का आकार भी बढ़ाया जा सकता है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि पौधे की जड़ पूर्णतः जमीन के अंदर हो जाए। गड्ढों की मिट्टी बदलना। सामान्यतः रोपण क्षेत्र की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, अतः गड्ढे के खोदने से प्राप्त मिट्टी में से कंकर पत्थर अलग करके तथा बची मिट्टी में गोबर खाद मिलाकर तैयार कर देना चाहिए। दो भाग मिट्टी में एक भाग गोबर खाद मिलाकर मिश्रण तैयार करना चाहिए। यदि रोपण स्थान में मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो अन्य स्थान से दोमट या कछार की मिट्टी लाकर उसका उपयोग करना चाहिए। रोपण पूर्व तैयारी। रोपण क्षेत्र में पौधों का परिवहन 1-2 दिन पूर्व कर लेना चाहिए। रोपण में 1-2 दिन पॉलीथीन के पौधे में सिंचाई नियंत्रित करना चाहिए, जिससे पौधे की मिट्टी आंशिक रूप से कड़क हो जाए और पौधे को पॉलीथीन से निकालते समय मिट्टी पौधे से अलग ना हो जाए। इतने वृहद स्तर पर इस पौधरोपण कार्य को करने के लिए पौधारोपण से मिट्टी के मिश्रण की अधिकतर मात्रा गड्ढे में भर के रख देना चाहिए, केवल पौधे के आकार का स्थान छोड़ देवें। रोपण कार्य। रोपण करते समय पौधे की पॉलीथीन को झटका देकर ना फाड़ें, वरन तेज ब्लेड से पॉलीथीन को लंबवत काटकर चारों तरफ से पॉलीथीन को अलग कर लेवें। परंतु ध्यान रहे कि पौधे की मिट्टी पौधे से अलग ना हो जाए। धीरे से पौधे को सीधा कर गड्ढे के बीच में खड़ा कर दें, फिर पौधे के चारों तरफ से मिट्टी का मिश्रण जमीन की सतह से 3-4 इंच ऊंचा रखते हुए पैरों से मिट्टी को दबा दें, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा होकर पौधे की जड़ को गला न दे। थाला बनाना। पौधारोपण के बाद पौधे के चारों तरफ थाला बनाना चाहिए, जिससे बारिश की नमी पौधे को मिलती रहे। समतल मैदान में पौधे के चारों तरफ गोल थाला बनाना चाहिए तथा ढलान में पौधे से ढलान की तरफ अर्धचंद्राकार थाला बनाना चाहिए। वृक्षारोपण के दौरान खाली पॉलिथीन को यहाँ वहाँ ना डालें। कार्य के समय एक धागे को अपने कमर पर बांध कर रखें। जो पॉलिथीन निकलती है उसे उस धागे में पिरोते जाएं। वृक्षारोपण खत्म होने के बाद उस पॉलिथीन को नियत स्थान पर डालें, जहाँ कचरे का निष्पादन हो सके। धन्यवाद।